अब्बास बताइएगा कैसा कैसा महसूस हो रहा है आज? जी अब्बास भाई जी, मैंने कहा आपका मूड तो अच्छा ही होगा, आप अभी भी कहेंगे सपोर्ट करो टीम को। मैं देखे अभी भी मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट हम करेंगे अगले मैचेस में, लेकिन आपने जो इंट्रो दिया था ना बड़ा जबरदस्त दिया है कि हर प्लेयर आज अपने लिए खेला है, इमामुल हक अपने लिए खेला है, किसी ने विनिंग बैट कैरी करने की कोशिश ही नहीं की। आपने टॉस जीता और इस बैटिंग पैराडाइज पे आपने फैसला कितना गलत किया, आपने बॉलिंग कर ली ऑस्ट्रेलिया के सामने, इतने लंबे आपने स्कोर ले लिया, 19 छक्के कभी पड़े किसी इनिंग में किसी को, और किस तरीके से छक्के पड़ रहे थे आपको पता है? बुरकस निकाला है बैटर्स का। और अभी अभी, अभी अभी टीम जा रही थी, अभी टीम जब इधर से स्टेडियम से होटल जा रही थी तो मिकी आर्थर को तो परवाह ही कोई नहीं ना, वो तो इतने खुश हुआ क्योंकि उन्हें तो चला जाना है अभी इधर से, ऑस्ट्रेलिया टीम हारेगी निकल जाएंगे वो तो। ईस्ट इंडिया कंपनी मुझे सर एक और बात बताएं अब्बास भाई, आप वहां पर मौजूद हैं प्लेयर्स के साथ भी हैं, आपने साउथ शकील से गुफ्तगू भी की थी, बातचीत भी, सर ये बाबर आजम का क्या मसला है? मतलब हम कहते हैं नंबर वन प्लेयर है, मैंने कभी ऑनेस्टली जो रूट उनसे बड़ा प्लेयर है नंबर वन नहीं रहा, केन विलियमसन उनसे बड़ा प्लेयर है, विराट कोहली मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि सर देखें आप सेंचुरी करने से या नेपाल जिम्बाब्वे भूटान सोमालिया इनके खिलाफ खेलने से आप नंबर वन नहीं बनते, जब तक आप इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, सीरीज नहीं जीतेंगे, मैच नहीं जीतेंगे, आप बड़े प्लेयर नहीं बन सकते हैं। सर ये बताइए आज बाबर आजम पैराडाइज विकेट पे नहीं खेल पा रहा है? ठीक है आज उनका दिन नहीं था लेकिन बाकी प्लेयर्स को तो परफॉर्म करना उनका तो दिन रहा ही नहीं जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है, मुझे बताएं कब उन्होंने बड़ा को बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया कि हमने कहा नहीं जी नहीं आज हक अदा किया है। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है और मैं इससे इत्तेफाक करता हूं क्योंकि आप लोग तो वहां पर बैठ के देख रहे हैं हमें कितनी मायूसी यहां पे हुई है और आप तो इंडियन फैंस को भी फेस कर रहे होंगे। मैं कहता हूं जब मीडिया बॉक्स के अंदर हम फेस कर रहे थे कि आपने एक बैटिंग विकेट के ऊपर आपने पहले टॉस जीता है और फिर आपने फील्डिंग शुरू कर दी है, ये फैसला मुझे तो समझ से वाला था मेरी तो। पर सर फैसला आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त हो सकती है लेकिन सर इसके अंदर सेम कंडीशंस थी ना, ना ऑस भी नहीं आई, आपने मैं देख रहा था सर तकरीबन आप समझ लें कि मैं ट्विटर सही कह रहे हैं आप, ट्विटर पर मैं मुस्तकिल अपडेट कर रहा था, सिर्फ 50 रन का फैक्टर था सर, 50 रन का, लेट सपोज अगर 100 बॉलें हैं तो आपको 150 रन चाहिए, अगर 70 बॉलें हैं तो 101 रन चाहिए, सर ये T20 में इंतहाई आइडियल सिचुएशन होती है टू विन, उसके बावजूद अगर आप नहीं जीत रहे तो सर फिर और भी पैराडाइज विकेट पर जी आप ड्यू फैक्टर का इंतजार कर रहे थे, यहाँ पे ड्यू फैक्टर वाला कोई चक्कर नहीं है, अभी रात 12 बजे के बाद हल्की सी खुनकी आती है, ड्यू फैक्टर उस वक्त शुरू होता है, इनको पता नहीं कौन मशवरे दे रहा था, किस किस्म के मशवरे इन्होंने लिए। अब देखे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये बड़ा अहम मैच था, हम बार बार ये कह रहे थे कि डू और डाई मैच है, अब चेन्नई कल टीम ने ट्रेवल करना है, अब आगे इम्तिहान ही इम्तिहान है, अब सफर जो है वो आसान नहीं है, अब बहुत मुश्किल सफर हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक कर लिया है। नहीं नहीं सर सफर आसान हो गया ये बात गलत कर रहे हैं अब्बास भाई, सफर आसान हो गया जल्दी आ जाएंगे हम लोग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।